हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है PNP न्यूज। और आज हम बात करने वाले हैं नकली नोटों की पहचान के बारे में और केंद्र सरकार उस पर क्या काम कर रही है। और हाँ दोस्तों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नोटबंदी के बाद 2000 और 500 के नोटों का चलन काफी बढ़ गया है। इन बड़े नोटों के चलन में आने के कारण नकली नोटों का डर भी बढ़ रहा है। ये नकली नोटों को पहचानना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके कारण लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। लोगों को इस परेशानी से निकालने के लिए सरकार एक डिजिटल टेक्निक पर काम कर रही है। सरकार एक ऐसा मोबाइल ऐप लाने की तैयारी कर रही है जिससे नकली नोटों की पहचान की जा सकती है। इस ऐप को बनाने की जिम्मेदारी RBI को सौंप दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि नकली नोट पहचानने के लिए ऐप बनाने वाली एजेंसी को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एजेंसी का चयन होते ही ऐप के तैयार होने की जानकारी मिल जाएगी। एक बार ऐप तैयार हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन के जरिए ऐप की मदद से नकली नोटों की पहचान कर सकेगा। रिजर्व बैंक नोट पहचानने के उद्देश्य से जो लोग देख नहीं सकते हैं उसके लिए एक विशेष ऐप बना रहा है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार जो लोग देख नहीं सकते हैं उसके लिए बन रहे इस ऐप में नकली नोट की पहचान की सुविधा दी जा सकती है। जो लोग देख नहीं सकते हैं उसके लिए बन रहा ऐप बताएगा कि यह नोट भारतीय है और कितने रुपए का है। और दोस्तों, 500, 1000 और 2000 रुपए के नोट से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी हम आपको यहाँ बताते हैं। 1954 में 1000 रुपए का नोट पहली बार जारी हुआ। 1978 जनवरी में भी 1000 रुपए का नोट बंद किया गया। 2000 में दूसरी बार 1000 रुपए का नोट जारी हुआ था। नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के बाद इसे फिर बाहर कर दिया गया। 1987 अक्टूबर में पहली बार 500 का नोट जारी हुआ। 2005 में सुरक्षा की दृष्टि से नोट में कुछ बदलाव किए गए। इसके बाद 2017 में 500 के नोट में फिर बदलाव किए गए। नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के बाद जनवरी 2017 में 2000 रुपये का नोट पहली बार जारी किया गया। इसके साथ ही 500 रुपए के नए नोट भी जारी किए गए थे। पेपर करेंसी छापने की शुरुआत 18वीं सदी में हुई। सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास जैसे बैंकों ने पेपर करेंसी एक्ट 1861 के बाद करेंसी छापने का पूरा अधिकार भारत सरकार को दे दिया गया। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के बाद यह काम उसे सौंप दिया गया। नकली नोट पहचानने की जिम्मेदारी भी RBI को सौंप दी गई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।